दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुदीने की चटनी। यहाँ मैं इसे दो डिफरेंट टेस्ट में बनाऊंगी और ये दोनों टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। ये आपकी भूख तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगी। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं इस पुदीने की चटनी को। हेलो दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैंने 2 कप पुदीने की पत्ती ली है। इसका मैंने जो मोटा वाला डंठल होता है उसे अलग कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया था। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो यहाँ इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और यहाँ मैंने लगभग 2 टेबल स्पून इमली को गर्म पानी में थोड़ी देर तक सोख होने के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। तो इस तरह से इसका पल्प निकाल लें और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, इस इमली के पानी से ही हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इमली डालने से इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इसमें इमली ही डालें। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसका एक बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसे अलग अलग 2 बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग 2 तरह की चटनियाँ बनानी है। तो यहाँ मैंने इसे अलग 2 बोल में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है। दोनों में 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। अब स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, दोनों में ही डालना है। और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर लिया है, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, इसे भी हम दोनों में डाल लेंगे 1/4 टीस्पून। तो यहाँ मैंने दोनों तरह की चटनी में सेम मसाला ही डाला है। अब एक बोल में हम 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चीनी इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई खट्टी और मीठी चटनी। इसका टेस्ट दोस्तों बहुत बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे इस तरह से एक बार बना के देखिए। और दूसरी वाली जो चटनी है वो हमारी हो गई खट्टी वाली चटनी। तो इस तरह से हमने 2 तरह की चटनी बनाई है। बच्चों को तो ये मीठी चटनी बहुत ही पसंद आती है। आप इन दोनों चटनी को चावल, रोटी या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।